हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फैक्ट्स विद प्रिया में। जैसे कि आप सभी ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में, जिसे पश्चिम बंगाल भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि इस राज्य का राजधानी कोलकाता है। कोलकाता इंडिया के तीसरी सबसे बड़ी महानगरी है, इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। इसका नाम पहले सिर्फ बंगाल था और बाद में इसका नाम बदल के पश्चिम बंगाल किया गया। इस राज्य के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करें तो इनमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम और आसाम शामिल है। इस राज्य में कुल 19 जिले हैं। इसकी पॉपुलेशन है करीब 9 करोड़। वेस्ट बंगाल के भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतर लोग बांग्ला बोलते हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। फेमस सिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कोलकाता, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हावड़ा, दुर्गापुर शामिल है। फेमस टेंपल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दक्षिणेश्वर काली टेंपल, कालीघाट टेंपल, बेलूर टेंपल, बिरला टेंपल, तारापीठ टेंपल, हांगेश्वर टेंपल इत्यादि शामिल है। पश्चिम बंगाल के फेमस पिकनिक स्पॉट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे घूमने के लिए ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी, जैसे कि छोट नागपुर, बर्धमान, कार्सियंगल हिल स्टेशन, हावड़ा ब्रिज, दार्जिलिंग, दीघा बीच, सुंदरवन नेशनल पार्क जो टाइगर के लिए फेमस है, और मिरिक लेक, शांति निकेतन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जैसी जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ के आदमी धोती कुर्ता पहनते हैं और यहाँ के महिलाएं साड़ी पहनती हैं। महिलाएं साड़ी को एक अलग ढंग से पहनती हैं, जिससे उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं हम फेमस फूड के बारे में। पश्चिम बंगाल के लोग फिश खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के मिठाई वर्ल्ड भर में फेमस हैं। यहाँ के सबसे फेमस मिठाई का नाम है रसगुल्ला और यहाँ के लोग मिष्टी दही खाना बहुत पसंद करते हैं। वेस्ट बंगाल की रिवर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के मुख्य नदी है गंगा। इसके अलावा पद्मा रिवर, हुगली रिवर भी इस राज्य में है। पश्चिम बंगाल की बात हो और दुर्गा पूजा की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। दुर्गा पूजा को पूरी वेस्ट बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है और भी बहुत सी फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे कि दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा, पहला बैसाखी, जमाई षष्ठी, क्रिसमस जैसी पर्व मनाया जाता है। अब जान लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही हैंड पुल रिक्शा देखने को मिलती है। यहाँ पे इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट स्थित है, जो कि अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पर है। कोलकाता में सबसे ज़्यादा फूल की बिजनेस होता है। कोलकाता को कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि नेशनल सॉन्ग के रचयिता हैं, वो भी वेस्ट बंगाल के ही थे। ये राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार विजेताओं का जन्म हुआ है। पहले इंडिया का राजधानी कोलकाता था, पर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वेस्ट बंगाल में ही मौजूद है। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो और कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।